हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन फोर्थ पोएम ऑफ क्लास 11th यूपी बोर्ड। नेम ऑफ द पोएम इज माई नेटिव लैंड एंड द पोएट इज हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो, जिनको हम हेनरी एल डेरोजियो के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, हेनरी एल डेरोजियो हाफ इंडियन थे, मीन्स उनके जो फादर थे वो पोर्टुगीज थे, उनकी जो मदर थी वो इंडियन थी। तो इसका मतलब, चूँकि पेरेंट्स में से उनकी मदर इंडियन थी जबकि फादर उनके पोर्टुगीज थे, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, क्या माना जाता है, उनको हाफ इंडियन माना जाता है। और उनका जो जन्म हुआ था वो 1809 को कोलकाता में हुआ था, इसलिए वो हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को, भारत माँ को अपनी जन्मभूमि मानते थे, अपनी मातृभूमि मानते थे। तो माई नेटिव लैंड जो पोएम है उनकी, वो डेडिकेटेड टू मदरलैंड, डेडिकेटेड टू हिज मदरलैंड। और उनकी मदरलैंड कौन थी, उनकी मदरलैंड थी भारत भूमि। तो यहाँ जो पोएट है, यहाँ पोएट ने अपना एक तरह से डेडिकेशन किया है मदरलैंड को, अपनी मदरलैंड के बारे में बताया उन्होंने कि पास्ट में मदरलैंड की क्या पोजीशन थी। और जब वो पोएम कंपोज कर रहे थे तब हम लोग स्लेव थे, स्लेवरी में कंडीशन क्या थी। स्टूडेंट्स, जो पास्ट टाइम था, जो एंशियंट टाइम था, एंशियंट टाइम में हम लोग विश्वगुरु होते थे, और विश्वगुरु होने के कारण पूरा विश्व हमारी तरफ देखता था। कोई भी परिस्थितियाँ हो, उन परिस्थितियों से किस तरह से बाहर निकला, तो पूरा विश्व हमारी तरफ देखता था, पूरे विश्व की नज़र हम पर होती थी। लेकिन जब हम गुलाम हो गए तब परिस्थितियाँ बदल गई और भारत की जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई थी, बहुत ही माइजरेबल कंडीशन थी। तो उस टाइम कंपोज की है पोएम, तो उसमें बताया कि एंशियंट टाइम में हमारी पोजीशन क्या हुआ करती थी और प्रेजेंट में हमारी पोजीशन क्या है। तो प्रेजेंट और पास्ट को कंपेयर करके अपनी मदरलैंड की सिचुएशन को बताया गया। स्टूडेंट्स, हेनरी एल डेरोजियो को, हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो को फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट माना जाता है। बहुत शॉर्ट टाइम उनका रहा है, उनकी लाइफ जो है वो केवल 1809 से लेकर के 1831, यानी केवल 22 ईयर्स वो जिंदा रहे हैं। 22 ईयर्स में उन्होंने एजुकेशन भी ली है और पोएम्स भी लिखी हैं, लेकिन उनकी जो पोएम्स हैं वो बहुत ही रिमार्केबल, इस शॉर्ट पीरियड में भी उन्होंने जो कुछ पोएम लिखी है वो बहुत रिमार्केबल रही है। और उनकी काउंटिंग इंडिया के बेस्ट पोएट्स में से होती है, बेस्ट इंग्लिश पोएट्स में से होती है। यहाँ इस पोएम में उन्होंने एक तरह से अपना डेडिकेशन किया है अपनी मदरलैंड को और बताया है कि एंशियंट पास्ट में क्या पोजीशन थी और वर्तमान में क्या पोजीशन है। उन्होंने दुख प्रकट किया है अपना कि किस तरह से हम विश्वगुरु हुआ करते थे और आज हमारी स्थिति क्या है, तो वो सब चीज़ इसमें देखने को मिलेगी इस पोएम में। पोएम एक सोनेट है, यानी केवल 14 लाइन इस पोएम के अंदर है, जिन पोएम्स के अंदर द पोएम्स दैट कंटेन ओनली 14 लाइन्स आर नोन एज सोनेट। तो सोनेट वो पोएम्स होती हैं जिनमें केवल 14 लाइन्स होती हैं। तो 14 लाइन्स की पोएम, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होती है लिखना, चूँकि एक आपके पास एक टारगेट होता है कि आपको अपने कंटेंट को 14 लाइन्स में ही कंक्लूड करके रखना है। तो इसलिए जो पोएम है वो सोनेट है, और देखते हैं पोएट ने किस तरह से अपने आप को एक्सप्लेन किया है, किस तरह से अपनी बात को रखा है। देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टैंजा वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। माय कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, ए ब्यूटियस हेलो सर्कल राउंड द ब्रो एंड वर्शिप्ड एज ए डेटी दो वास्ट, वेयर इज दैट ग्लोरी, वेयर दैट रिवरेंस नाउ। कहता है माय कंट्री, अब देखिए स्टूडेंट्स, माय कंट्री का मतलब यहाँ मेरा देश नहीं बल्कि क्या कहता है, मेरी मातृभूमि। और स्टूडेंट्स, यहाँ अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है। अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्यों है, क्योंकि माई कंट्री के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें किसी इंटीमेट थिंग को, किसी नॉन लिविंग थिंग को, या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एड्रेस किया जाता है। वो प्रेजेंट भी नहीं होता वहाँ और अनसीन भी होता है। अब देखिए, माई कंट्री वहाँ नहीं है, प्रेजेंट और अनसीन भी है, वो दिख नहीं रहा है, तो वो एड्रेस कर रहा है किसी नॉन लिविंग थिंग को। तो इसलिए अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच क्या कहता है, माय कंट्री इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, कि मेरी मातृभूमि इन द डे ऑफ ग्लोरी पास्ट, इन द डे ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स होता है यश और प्रसिद्धि, पास्ट मीन्स व्यतीत हो गई। कहता है कि मेरे देश के, मेरे मातृभूमि के जो प्रसिद्धि के दिन हैं, जो यश के दिन हैं, वो पास्ट हो गए, वो बीत गए। ए ब्यूटियस हेलो सर्कल राउंड द ब्रो, ए ब्यूटियस माने ब्यूटी, ब्यूटीफुल, सुंदर। हेलो मीन्स होता है प्रभामंडल, सर्कल्ड मीन्स चारों ओर
सर्कल राउंड, सर्कल राउंड का मतलब होता है चारों ओर उपस्थित रहता दाई माने तुम्हारे, ब्रो माने मस्तक पर, कि तुम्हारे मस्तक के चारों ओर प्राचीन काल में एक प्रभा मंडल फैला रहता था, हमेशा उपस्थित रहता था। अब वो प्रभा मंडल गायब हो गया है, अर्थात जो पास्ट में आपकी ग्लोरी थी, जो भूतकाल में आपका यश था, जो भूतकाल में आपकी गाथा थी, प्रसिद्धि थी, वो अब नहीं रही। क्योंकि भूतकाल में क्या था कि आपके मस्तक के चारों ओर, आपके माथे के चारों ओर एक आभा मंडल होती थी, जो वो आभा मंडल अब दिखाई नहीं देती है। क्या कहता है अगली लाइन में, एंड वर्शिप एज ए डेटी, दो वास्ट एंड वर्शिप, और आपकी पूजा की जाती थी एज ए डेटी, डेटी मीन्स होता है देवता, और एक देवता के रूप में आपकी पूजा की जाती थी, दो वास्ट, दो मीन्स तुम्हारी, वास्ट वाज, वास्ट किसके लिए, वाज के, आपकी प्राचीन काल में आपकी पूजा इस तरह से की जाती थी जैसे कि देवता की पूजा की जाती है। और फिर प्रश्न करता है वेयर इज दैट ग्लोरी, वो अब यश कहाँ है, वो आपकी प्रसिद्धि कहाँ है, अब वो यश कहाँ है आपका, वेयर दैट रिवरेंस नाउ, रिवरेंस मीन्स होता है सम्मान, वेयर दैट रिवरेंस, और वो सम्मान आपका अब कहाँ चला गया, जो सम्मान आपका प्राचीन काल में हुआ करता था, जो ग्लोरी आपकी प्राचीन काल में होती थी, जो यश आपका प्राचीन काल में होता था, जो प्रसिद्धि आपकी प्राचीन काल में होती थी, जिस तरह से आप प्राचीन काल में विश्वगुरु थे, सब लोग आपका सम्मान करते थे, अब वो सम्मान कहाँ गया, क्योंकि अब तो आप क्या हैं, अब तो उसकी मातृभूमि को, पोएट की मातृभूमि को स्लेव बना लिया गया है, गुलाम बना लिया गया है, गुलामी और दासता की बेड़ियों में जकड़ लिया गया है, इसलिए कभी निराश है और अपनी मातृभूमि को एड्रेस करके कह रहा है कि तुम्हारा जो प्राचीन काल का जो समय था, जब आपकी पूजा देवता के रूप में की जाती थी, जब आपका बहुत प्रसिद्धि थी, आपका बहुत सम्मान था, वो सम्मान और प्रसिद्धि वाला समय आपका व्यतीत हो चुका है। आज की स्थिति में ना तुम्हारी पूजा की जाती है, ना तुम्हारा सम्मान है, और ना ही आपके माथे के चारों तरफ वो प्रभा मंडल है, वो आभा मंडल है जो पहले हुआ करता था। अब पूछता है कि वह और प्रसिद्धि कहाँ चली गई और वह सम्मान अब कहाँ है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा था स्टूडेंट्स, और फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने एंशियंट टाइम और प्रेजेंट टाइम जब पोएम कंपोज की है, तो जब पोएम कंपोज की है उस टाइम की और जो एंशियंट टाइम था उस टाइम की कंपेरिजन करके, कंपेयर करके बताया कि प्राचीन काल में हमारी, हम विश्वगुरु थे तो हमारी क्या परिस्थितियाँ थी, हमारी क्या स्थिति थी, हम किस तरह से, हमारे माथे के चारों तरफ आभा मंडल होता था, यश और प्रसिद्धि हमें प्राप्त थी, सम्मान प्राप्त था, देवता की तरह हमें पूजा जाता था। आज वो सम्मान भी नहीं है और आज वो ग्लोरी भी नहीं है। दूसरे स्टंजा में स्टूडेंट्स क्या कहता है, दाई ईगल पाइनियन इज चैन डाउन एट लास्ट एंड ग्रोलिंग इन द लोली डस्ट आर दू, दाई मिनिस्ट्रल हैथ नो रेथ टू वीव फॉर दी, सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई माइजरी। क्या कहता है, दाई माने आपके, ईगल पाइनियन मीन्स, पाइनियन मीन्स होता है पंख, कि आपके पंखों को इज चेंड डाउन एट लास्ट, आखिरकार आपके पंखों को क्या कर लिया गया है, चेन कर लिया गया है, आखिरकार आपके पंखों को बांध दिया गया है, आपको उड़ने से रोक दिया गया है, आपकी स्वतंत्रता को दासता में, आपकी स्वतंत्रता को, आपकी आज़ादी को गुलामी में, पराधीनता में परिवर्तित कर दिया गया है, आपके पंखों को चेन कर लिया गया है, जंजीरों में जकड़ दिया गया है। एंड ग्रोलिंग इन द लोली डस्ट आर दो, अब क्या है, एंड ग्रोलिंग, ग्रोलिंग मीन्स होता है गुरियाना, घिघियाना, मिमियाना, इन द लोली माने निम्न, डस्ट आर्थ, केवल तुम अब क्या कर सकते हो, तुम्हारे पंखों को बांध दिया गया, अब तुम फड़फड़ा सकते हो केवल, उड़ नहीं सकते, तुम बहुत ही निम्न स्तर पर अब केवल क्या कर सकते हो, घिघिया सकते हो, बहुत ही निम्न स्तर पर गुर्रा सकते हो, बहुत ही निम्न स्तर पर अब मिमिया सकते हो, अब आप उड़ नहीं सकते चूंकि आपके पंखों को जंजीरों से जकड़ दिया गया है। पोएट क्या कहता है कि प्राचीन काल में आपके यश प्रसिद्धि और ग्लोरी थी, आपका सम्मान था, लेकिन अब क्या है, अब आपके पंखों को जकड़ दिया गया है, चैन में बांध दिया गया, आपको पराधीन कर लिया गया, आपको दास बना लिया गया है, और अब आप केवल निम्न स्तर से, निम्न स्तर से लोलीनेस, आप केवल आप निम्न स्तर से मिमिया सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। द मिनिस्टर हैथ नो रेथ टू बी फॉर दी, क्या कहता है, दाई मिनिस्टर, मिनिस्टर मीन्स होता है चारण, चारण का मतलब बाढ़, कोयर,
यानी जो गीत गाने वाले होते हैं, जो गायक होते हैं, वो क्या कहता है, दाई मिनिस्टर तुम्हारे जो चारण हैं, हैथ नो रैथ टू वी फॉर दी, अब तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रशंसा में गीत नहीं गाते हैं। जो पहले गायक होते थे, जो पहले चारण होते थे, जो पहले कॉयर होते थे, जो पहले बार्ड होते थे, वो आपकी प्रशंसा के गीत गाते थे चारों तरफ। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब वो आपकी प्रशंसा में गीत नहीं गाते, सेव द सैड स्टोरी ऑफ दाई माजेस्टी, बल्कि क्या करते हैं, सेव माने के सिवाय, द सैड स्टोरी ऑफ दाई, तुम्हारी माजेस्टी मीन्स दैनी, अब केवल वो तुम्हारी दैनी स्थिति के बारे में बताते हैं। अब जो तुम्हारी स्थिति हो चुकी है, जो चारण है, जो पहले आपकी प्रशंसा में गायन करते थे, आपकी प्रशंसा में गीत गाते रहते थे, आपकी प्रशंसा में रैथ मीन्स होता है रैथ टू वीव मीन्स होता है बुनना, यानी अच्छे अच्छे गीतों की रचना करते रहते थे, वही चारण अब तुम्हारी प्रशंसा में अच्छे अच्छे गीतों की रचना कर नहीं करते, अब वो अपने गीतों के द्वारा तुम्हारी प्रशंसा के कसीदे नहीं गाते, बल्कि वही चारण, वही गायक अब केवल तुम्हारी दुखद कहानी सुनाते हैं, अपनी दुखद, आपकी दुखद कहानी अपने गीतों के द्वारा व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से यहाँ एक तरह से पोएट ने भी क्या किया, पोएट ने भी वही किया है, पोएट भी यहाँ उसी चीज़ को कर रहा है कि एंशियंट टाइम में आपकी ग्लोरी थी, आपको डेटी की, आपको देवता की तरह पूजा जाता था, आपके माथे के चारों तरफ प्रभामंडल होती थी, आपका सम्मान था, अब वो नहीं रहा, आपको चूँकि जकड़ लिया गया है। तो कहता है कि चारण जो पहले आपकी प्रशंसा में गीत गाते थे, आपकी ग्लोरी को, आपके यश को, आपकी प्रसिद्धि को, आपके सम्मान को, आपका बखान करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते हैं, आपकी प्रशंसा में वो कोई कसीदे नहीं काटते, अब वो केवल आपकी दुखद कहानी के रूप में दूसरे लोगों को सुनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह दोनों स्टैंजाज में यदि हम देखें तो पोएट ने एंशियंट टाइम और प्रेजेंट टाइम जब पोएम कंपोज किए, दोनों की कंपैरिजन किए और कंपैरिजन करके बताया कि प्राचीन काल में मेरी भारत माता की स्थिति क्या थी और वर्तमान काल में मेरी भारत माता की स्थिति क्या है। चूँकि प्राचीन काल में हम विश्वगुरु थे, स्वतंत्र थे, आज़ाद थे, वैचारिक रूप से स्वतंत्रता थी हमें और क्रियात्मक रूप से कार्य एक्शन की भी हमें लिबर्टी थी। अब ना तो हमें वैचारिक स्वतंत्रता है, ना ही हम कोई आज़ाद होकर के स्वतंत्रता रूप से कोई कार्य कर सकते हैं, चूँकि हम पराधीन हैं, इसलिए हमारी जो परिस्थितियां हैं वो बदल करके कैसी हो गई है, क्योंकि हमें दासता के बंधनों से बांध लिया गया है। आज जो चारण हैं, जो सिंगर हैं, जो गायक हैं, वो भी हमारी प्रशंसा में, भारत माता की प्रशंसा में गीत नहीं गाते हैं, बस केवल क्या करते हैं, गीत गाने के बजाय वो क्या करते हैं, केवल तुम्हारी दुखद कहानी को अपने गीतों के द्वारा बयां करते हैं, लोगों को सुनाते हैं। स्टूडेंट थर्ड स्टेंजा में देखते हैं क्या कहता है पोएट, देखते हैं, वेल लेट मी डाइव इन टू दाई डेप्थ ऑफ टाइम एंड ब्रिंग फ्रॉम आउट द एजेस दैट हैव रोल्ड ए फ्यू स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ दोज रैक्स सबलाइन विच ह्यूमन आई मे नेवर मोर बिहोल्ड and let the garden of my labor be my fallen country one kind wish for thee. क्या कहा, well let me dive into thy depth of time, well let me dive, कि मुझे dive करने दो, dive का मतलब होता है गोता लगाना, लेकिन यहाँ students dive का means गोता लगाना नहीं है, यहाँ है अन्वेषण करना, खोज करना, अध्ययन करना, इंटू थाई डेप्थ, इंटू दाई माने तुम्हारी, डेप्थ माने गहराई, ऑफ टाइम माने समय की, कहता है कि मुझे तुम्हारे समय की गहराई में गोता लगाने दो, अर्थात तुम्हारे एंशियंट टाइम का, तुम्हारे प्राचीन काल का, तुम्हारे पास्ट का मुझे अध्ययन करने दो। स्टूडेंट्स फिर वही बात आती है कि पास्ट में हमारे कंट्री को क्या माना जाता था, हमारे देश को क्या माना जाता था, हमारे देश को विश्व गुरु माना जाता था और गोल्डन ईगल कहा जाता था, आपने सुना होगा सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हमारा देश सोने की चिड़िया था, गोल्डन ईगल था, हम विश्वगुरु होते, यानी पूरा विश्व हमारी तरफ देखता था किसी भी परिस्थिति में कि हम उनको क्या गाइडेंस देंगे, और जैसा हम करते थे वो सब हमको फॉलो करते थे। अब चूंकि हम स्लेव बन चुके हैं, आपने लास्ट इससे पहले स्टेंजा में हमने देखा है कि जो हमारे पंखों को बताया गया है कि हमारी जो मातृभूमि के पंख हैं उनको दासता की जंजीरों में जकड़ दिया गया, तो अब हम गोल्डन ईगल भी नहीं रहे और अब हम विश्व गुरु भी नहीं रहे। तो कहता है कि आज की परिस्थिति ये है, अब वो कहता है कि मुझे थोड़ा सा आपके समय की गहराई का अध्ययन करने दो, लेट मी डाइव,
वेल लेट मी डाइव इन टू हाई डेप्थ ऑफ टाइम, कि मुझे समय की गहराई में गोता लगाने दो, अर्थात मुझे प्राचीन काल का थोड़ा सा अध्ययन करने दो। एंड ब्रिंग, और लाने दो फ्रॉम आउट गहराई से द एजिज, युगों की दैट हैव रोल्ड, और युगों की गहराई से मुझे कुछ चीज़ें निकाल करके लाने दो जो अब रोल्ड, रोल्ड मीन्स व्यतीत हो चुके हैं, जो समय व्यतीत हो चुका है, उस अतीत की गहराई से मुझे कुछ निकाल करके लाने दो। क्या निकाल करके लाने हैं? ए फ्यू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, कुछ छोटे छोटे टुकड़े, ए फ्यू थोड़े से स्मॉल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स टुकड़े ऑफ दोज रेक्स सबलाइम, ऑफ दोज उन रेक्स जो टूट फूट चुके हैं, जो नष्ट हो चुके हैं। सबलाइम अतिश्रेष्ठ, कि तुम्हारा जो प्राचीन काल जो अतिश्रेष्ठ था, उसके छोटे छोटे टूटे हुए टुकड़ों को मुझे निकाल के लाने दो। मैं समय की गहराई में जाना चाहता हूँ, और समय की गहराई में जा करके समय का अध्ययन करके वहाँ से वो स्मॉल पीसीज निकाल करके लाना चाहता हूँ जो कभी आपकी श्रेष्ठता के प्रतीक थे। वही श्रेष्ठता के प्रतीक का मतलब, जब आप विश्वगुरु थे, या जब आप गोल्डन ईगल थे, जब आप सोने की चिड़िया थे, जब आप विश्वगुरु थे, तो मुझे समय की गहराई में गोता लगाने दो, मुझे उस समय का अध्ययन करने दो, और वो छोटे छोटे टुकड़े निकाल करके लाने दो जो अब अतीत बन चुके हैं, जो अब नहीं रहे हैं। और वो कैसे हैं? विच ह्यूमन आइज मे नेवर मोर बिहोल्ड, विच माने जिनको, ह्यूमन आइज माने आदमी की आंखें, मे नेवर मोर बिहोल्ड, जिन्हें मनुष्य फिर कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि विश्वगुरु थे। और हमें स्टूडेंट्स आज़ाद हुए 1947 से, आज देखिए कितने, हमने कल ही 74th अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया है, लेकिन आज भी हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्यों नहीं? इसीलिए यहाँ पोएट ने क्या है, क्या कहा है, विच ह्यूमन आई मे नेवर मोर बिहोल्ड, मे का यूज़ किया है, संभावना व्यक्त की है कि शायद जिसको, जिस स्थिति को अब शायद मनुष्य फिर से ना देख पाए। बिहोल्ड मीन्स देखना, कि जो हमारी प्राचीन काल में पोजिशन थी उसको शायद मनुष्य फिर कभी ना देख पाए, तो मुझे उस अतीत का अध्ययन करने दो, और वहाँ से आपके उत्कृष्ट और अति उत्तम जो आपकी स्थिति थी, उसके छोटे छोटे उन टुकड़ों को लाने दो जो अब तोड़े जा चुके हैं। रेक्स मीन्स टूटे 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 फूटे छोटे छोटे टुकड़े को लाने दो, जिनको अब मनुष्य फिर कभी शायद नहीं देख पाएगा। और क्या कहा, एंड लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर भी, और कहता है कि यही मेरी लेबर मीन्स होता है कठिन परिश्रम, और गार्डन मीन्स होता है पारितोषिक, यानी जो लेबर करते हैं उसकी वेजेस, मजदूरी। तो क्या, लेट द गार्डन ऑफ माई लेबर बी, और यही मेरी, यदि मैं निकाल पाया और यदि मैं बता पाया कि हम प्राचीन काल में क्या थे और हमारी परिस्थिति क्या थी, तो यदि मैं बता पाया तो वही मेरी क्या होगी, गार्डन होगी, वही मेरी पारितोषिक होगा, वही मेरी जो कठिन परिश्रम मैं करा, जिस परिश्रम से मैं उन सब चीज़ों को आपके सामने रखूँगा, यदि मैं उनको रख पाया तो वही मेरा पारितोषिक होगा। माई फालन कंट्री, फालन माने होता है गिरा हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, पतित, कि है मेरे पतित देश, है मेरी पतित मातृभूमि, फिर से अपोस्ट्रोफी, फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, क्योंकि किसको एड्रेस किया गया, कंट्री को, मातृभूमि को एड्रेस किया गया, माई फालन कंट्री, कि ए मेरे पतित देश, वन काइंड विश फॉर दी, कि मैं तुम्हारे लिए, काइंड माने होता है दयालुता, और विश माने शुभकामना, कि मैं तुम्हारे लिए एक दयालुतापूर्ण शुभकामना ही की ही कामना कर सकता हूँ, विश कर सकता हूँ, आपको शुभकामना दे सकता हूँ, कि ए मेरे पतित, चूँकि आज तो पतन हो चुका है, पतन क्यों हो चुका है, पतन हो चुका तभी तो हम दासता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, यदि पतन नहीं हुआ तो हम गुलाम थोड़ा ही होते, हम आज भी विश्वगुरु होते, हम आज भी गोल्डन ईगल होते, हम गोल्डन ईगल थे आज नहीं है चूँकि हमारा पतन हुआ है, हम विश्वगुरु थे आज हम विश्वगुरु नहीं है चूँकि हमारा पतन हुआ है। और कहता है कि शायद जो हमारे प्राचीन काल में हमारी स्थिति थी वो शायद ह्यूमन आई फिर कभी ना देख पाए, शायद फिर कभी ना देख पाए, और यदि मैं आपको वो सब चीज़ें बता सकता हूँ कि पास्ट में हम कहाँ थे, क्या करते थे, क्या पोजीशन थी हमारी, किस तरह से हम पूजे जाते, किस तरह से लोग हमारा सम्मान करते थे, किस तरह से हम विश्वगुरु थे, किस तरह से हम सोने की चिड़िया थे, यदि मैं लोगों को बता पाऊँगा, यदि मैं बता सकता हूँ डाइव करके डेप्थ ऑफ टाइम से, तो यही मेरी इस कठिन परिश्रम, यही मेरी इस मेहनत का
गार्डन होगा, पारितोषिक होगा। और फिर अंत में शुभकामना करता है कि है मेरे पतित देश, है मेरी पतित मातृभूमि, है मेरी पतित भारत माता, मैं सिर्फ आपके लिए दयालुतापूर्ण उज्ज्वल भविष्य की कामना ही कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट स्टेंजा में आकर के केवल कामना ही की है, विश की है, केवल शुभकामनाएं दी, और वो शुभकामनाएं आज फलीभूत तो हुई है कि हम 1947 में आज़ाद हो गए स्टूडेंट्स, जबकि ये 1831 यानी ये जो पोएम कब लिखी गई थी, जब हम गुलाम थे, 1947 में हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज भी हम केवल विश ही कर सकते हैं, क्योंकि उस परिस्थिति, उस अपने जो पुरानी स्थिति है, जो पुरानी पोजिशन थी हमारी, हम उसको आज तक भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी पोएम आपके सामने, माई नेटिव लैंड, कंपोज्ड बाय हेनरी एल डेरोजियो। तो स्टूडेंट्स, आई होप को आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। आप यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहे। वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने साथी स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके, अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सके। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।